गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमान जी चैनल। और जैसे कि आपको पता है आरईसी की रेगुलर वीडियो आती रहती हैं, और आज हम लेके आए एचओएसी की न्यू वीडियो। एचओएसी की न्यू वीडियो क्या है कि हमारा चिलर कितना टाइम लेता है स्टार्ट होने के लिए और कितने टाइम में बंद हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। अगर आप फॉरन की तैयारी करो तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चिलर आप जो भी ऑपरेट करते हो कितने सेकंड में, कितने मिनट में, कितने घंटे में वो ऑन होता है और कितने टाइम में वो बंद हो जाता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको पता है केवल रोहित दिमाना ऐसी चैनल पर ही दी जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, चिलर स्टार्ट एंड स्टॉप होने में कितना टाइम लेता है। देखिए, सबसे पहले हम चिलर को क्या करते हैं, कमांड देते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रनिंग। रनिंग में लाने के लिए हम स्टार्टिंग में सबसे पहले कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, जिससे वो क्या आ जाए, रनिंग में आ जाए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारा चिलर होता है, चिलर रीड करता है। चिलर एक मेमोरी है, एक प्रोसेसर है, उसके अंदर एक कार्ड लगा है जो हर एक चीज़ को सेंस कर रहा है। अब क्या क्या चीज़ वो सेंस करता है, क्या क्या चीज़ वो दिखाता है, मैं एक वीडियो, एक छोटी दूसरी इमेज के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कंट्रोल पावर, हमने क्या किया, कंट्रोल पावर से पावर को अप्लाई किया है, उसके अंदर सप्लाई दी है। अब 45 सेकंड वो ले रहा है, क्या ले रहा है, ओएस लोडिंग। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडिंग एंड स्टार्टिंग। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो उसके अंदर सिस्टम लगा है वो सबसे पहले जो चिलर की सेफ्टी होती है उनको रीड करता है। जैसे कि फर्स्टली वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या आता है, सिंगल फेज प्रिवेंटर आता है। सिंगल फेज प्रिवेंटर में हमारा ये देखा जाता है कि जो हमें चिलर को चलाने के लिए 385 से 415 वोल्ट जो चाहिए वो कंप्लीट वोल्टेज है या नहीं, फर्स्ट उसने चेक किया। सेकंड उसने ये देखा कि हमारी वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रही है, अप डाउन तो नहीं हो रही है। अगर वाइज ऐसा नहीं है तो वो फिर वो आगे आगे कमांड देता है। उसके बाद हमारा जो करंट एम्पियर है वो कितना है, हमारी मोटर ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। उसके बाद हमारा क्या करता है, वो वाइंडिंग के टेम्परेचर, जो मोटर की वाइंडिंग होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई तो नहीं गया होगा, जो उसकी सेट लिमिट है उतना है या नहीं है। उसके बाद वो क्या करता है, ऑपरेटर सेफ्टी देखता है। ऑपरेटर सेफ्टी में कैसे, सबसे पहले फ्लो स्विच देखेगा। फ्लो स्विच मतलब कि ऑपरेटर लाइन में हमारा पानी इन और आउट आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम फ्लो स्विच लगाते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड, रेफ्रिजरेंट लो लिक्विड लेवल एंड हाई लेवल लिक्विड लेवल। तो रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीके से हमारा फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये भी कौन रीड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या करेगा, ऑपरेटर के अंदर जो हमारा क्या होता है, जो वैल्यू होती है, जो सेट पॉइंट होता है, उसको भी वो एक बार नोट डाउन जरूर करता है। और ये सारी वैल्यू, ये सारा डाटा वो 45 सेकंड के अंदर रिकवर करता है, चेक करता है, और बाद में वो कमांड कहाँ चली जाती है, वहाँ कमांड चली जाती है डिस्प्ले बिल्डिंग स्क्रीन के ऊपर, और उसके ऊपर 45 सेकंड में लोडिंग इमेज एंड कोड फ्रॉम UC800। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अदर सेफ्टी रह गई, जैसे कंडेंसर साइड से, एक्सपेंशन वाल से, ठीक है, उन सब से वो चेकआउट करता है। और उसके बाद टोटल हमारा चिलर स्टार्ट होने में कितना टाइम ले गया यहाँ तक, 90 सेकेंड। मतलब कि जब हमने यहाँ पे कंट्रोल पावर से चिलर को ऑन किया और टोटल ये सेफ्टी रीड करते करते उसको टोटल जो टाइम पे लगा 45 सेकंड प्लस 45 सेकंड, ये दोनों रीड करने के बाद जब इसको लगा कि पूरी तरह से एक्यूरेट है, तब 90 सेकंड के बाद हमारा चिलर पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है और लोड पे आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि चिलर सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चिलर सेफ्टी इसी कारण से दी जाती है। अगर वादे हमारा एक भी चीज़ इसमें से मिस रहेगा,
सप्लाई प्रॉपर नहीं आ रही है, पानी का लेवल कम है या वाल बंद है, तो हमारा चिलर चलने से पहले ही बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। वो इसी कारण से होता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा उसको चेक करता है, फाइंड आउट करता है कि एवरीथिंग इज ओके एंड नॉट ओके। तो ये सब चेक करने में उसका 90 सेकेंड लगता है, और 90 सेकेंड के बाद हमारा चिलर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि स्टॉप होने में कितना टाइम लगता है और उसका क्या डिजाइनिंग रहता है। अब जब भी हम चिलर को स्टॉप होने का कमांड देते हैं, बंद करने का कमांड देते हैं, तो जब भी हम उसको क्या करेंगे, शटिंग डाउन में डालेंगे, शट डाउन में डालेंगे, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, क्लोज IGV। अब IGV क्या है, IGV जो हमारा ट्रेन चिलर होता है, इसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व होते हैं जिसको हम बोल देते हैं ग्लाइड वेन वाल्व। एक एक्सपेंशन वाल्व के तौर पे इसको यूज करते हैं, और इसको बंद करने में प्रॉपर तरीके से 0 से 50 सेकंड का टाइम लगता है। 0 से लेकर 50 सेकंड के अंदर इसको बंद किया जाता है, और जितना जल्दी ये, मतलब अगर वायदे हमारा चिलर कंप्लीट लोड भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा सेकंड लगेगा, अगर वायदे हमारा चिलर थोड़ा कम लोड पर चल रहा है, मतलब टेम्परेचर हमारा मेंटेन है, तो इसको बंद होने में थोड़ा कम समय लगेगा। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद डी एनर्जी ऑयल पम्प, हमारा जो ऑयल पंप लगा हुआ था ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए, उसको भी बंद किया, बंद कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद कंफर्म नो ऑयल प्रेशर, मतलब जब हमारा ऑयल पंप बंद हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि ऑयल प्रेशर नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमारा जो एवपोरेटर पंप है, जो हमारा एवपोरेटर है, वाटर पंप रिले है, और डी एनर्जाइज कंप्रेसर है, मतलब कि कंप्रेसर को धीरे धीरे अनलोड करना स्टार्ट कर देता है। क्यों, एक्सपेंशन वाल्व बंद हो गई है, ऑयल पंप भी बंद हो गया है, तो वहाँ पे कंप्रेसर अनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी हम कंप्रेसर को बंद कर देते हैं तो सबसे पहले वो अनलोड होगा, और अनलोड होने के बाद ही वो बंद होता है। कई बार हम एमरजेंसी मार देते हैं, एमरजेंसी में क्या होता है, हमारे जो एक्सपेंशन वाल्व है ऑयल पंप पर रेगुलरली रन होते हैं, तो जब भी आप उसको दोबारा स्टार्ट करोगे पहले वो ये चीज़ बंद करेगा, उसके बाद वो स्टार्ट होता है। और लास्ट इमेज में आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जिससे कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो सके। देखिए, प्रिपेयरिंग शटडाउन, ये हमारा, जैसे हमने मान लो ऑटो में हमारा सिस्टम है, ऑटो में हमने किया है, तो सबसे पहले IGV 0 से 50 सेकंड में बंद हो गया, उसके बाद ट्यूब हमारी जो है वो 1 मिनट के अंतर्गत, मतलब डीज जो ऑयल पंप वाली डिजाइनिंग है उसकी अकॉर्डिंग बात हो रही है, और यहाँ पे क्लोज IGV मतलब एक्सपेंशन वाल और ऑयल पंप दोनों एक साथ में, मतलब कि कुछ ही सेकंड बाद, 10 से 15 सेकंड के बाद इसके ऊपर कमांड चली जाती है जिससे कि ऑयल पंप भी बंद हो जाता है, और उसके बाद IGV हमारी बंद हो जाती है, और उसके बाद हमारा ऑयल पंप बंद हो जाने के बाद हमारा जो प्रेशर है, ऑयल प्रेशर है, ऑयल पंप है, वो भी बंद हो जाता है, और जो कंप्रेसर में ऑयल नहीं जाता है, जिसके कारण से फिर बाद में क्या हो जाता है, अनलोड होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरह से हमारा जो चिलर है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है। और जब नो ऑयल प्रेस रहेगा तब हमारा ऑयल डिफरेंशियल प्रेस स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसके कारण हमारा चिलर बंद होता है, और ये जो प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग हमारी होती है 60 सेकंड की। कितने टाइम की, 60 सेकंड की प्रोसेसिंग होती है कम्प्लीटली, ठीक है। तो हमारा चिलर बंद होने में 60 सेकंड लेता है और रन होने में 90 सेकंड लेता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी और जानकारी देखने के लिए बने रहे रोहित दिमाग साथ, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको जानकारी कैसी लगी, क्या आपको ये जानकारी पहले थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।